कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। इस पर भाजपा नेता भड़क गए। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की भाषा को अशोभनीय बताया, साथ ही माफी की मांग की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पनौती का अर्थ क्या है, मैंने पता लगाया है, यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। यह किसके लिए कहा गया? स्टेडियम में हजारों लोग थे, भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया? वो तो उनकी नज़र में विश्वगुरु हैं। पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया, यह एक नकारात्मक शब्द, ऐसा दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए। पूरा मामला क्या है यहाँ पर आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया। इसे मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कहा कि लड़के अच्छा भला खेल रहे थे, पनौती पहुंच गए तो वह हार गए। एक अन्य सभा में तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे पनौती कह दिया। इस बयान के बाद भाजपा नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं और अब उनसे माफी की मांग की जा रही है और लगातार ये पनौती शब्द विश्व कप फाइनल के बाद ट्रेंड हो रहा है और यहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना इसके तहत साधा जा रहा है। और अब चुनावी सभाओं में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की बात हो रही है।